राज भर बिंद पेदी का लोटा है, पता नहीं उसमें क्या फूल खोसा है। माई बहन करता है बीजेपी वालों का, बीजेपी वाले उसको मंत्री बना दिए। क्या अरविंद राजभर यहाँ से एक तरफा उनकी जीत होगी भैया? हम तो अब सुनिए, कोई जात पात है सारे लोग उनको देंगे। अरविंद प्रत्याशी जी सही नहीं है यहाँ के, जो भारतीय जनता पार्टी जो उनको एनडीए का चुनाव लड़ा है सही नहीं प्रत्याशी है। चुनाव है, आएंगे जीतेंगे, यहाँ से जीत के जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं पाए। राजभर बाहुल क्षेत्र भी है घोसी, चुनाव अच्छा रहेगा। हर लोगों को, हर जनता की बात को सुने, वही बढ़िया प्रत्याशी उसको माना जाएगा। जो ये बीजेपी गठबंधन से है और ये छड़ी से आए हैं अरविंद राजभर, तो इनका वही हाल होगा जो दारा सिंह चौहान का हुआ था। क्योंकि बीजेपी या फिर अदर पार्टी करती है कि कांग्रेस पारिवारिक वो करती है अपने परिवार को ही, लेकिन ये भी तो अपने ही बेटे के लिए टिकट मांगा है। और रही बात ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर की, तो मुझे नहीं लगता कि ये जनता के लिए कुछ कर पाएगा, क्योंकि ये अपने वाहवाही में जब से मंत्री बना है ऑन स्टेज ये बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री से के बराबरी में वो अपनी बात रखता है, और ये कहता है कि आप अगर पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति यानी कि राजभर के लिए ये मंत्री बना है, बाकी तो हम इसे सांसद क्यों बनाएं, आम जनता इसे सांसद क्यों बनाए, जब सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की बात करता है, जबकि इस उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म के लोग हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। जी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, चुनाव अच्छा लड़ेंगे, लड़ेंगे ठीक लड़ेंगे। तो आखिर किस बेस पर उनको दिया जाए, क्या है आगे? बेस बहुत तरीका है, चौहान में जो कार्ड खेले हैं ओम प्रकाश राजभर वो भी एक तरफ चल रहा है, दूसरे मंत्री हैं राजभर बाहुल क्षेत्र भी है घोसी, चुनाव अच्छा रहेगा। तो हाथ में लड्डू उनकी बात तो एक तरफा राजभर बना, तरफा वोट करिए कहीं भर मिलल बा। हाँ भले कुछ काम करे के ना, और विकास होई, बढ़िया विकास होई, मंत्री जी बन गए पिताजी। राजभर ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी सुनवाई नहीं होती है, राजभरों की सुनवाई, चौहान की सुनवाई नहीं होती है, तो बस पियर का गमछा बांध के पुलिस स्टेशन में चल जा, दरोगा दरोगा का बाप भी तुहार ये अरे अभी अभी दरोगा के बाप नहीं कहे हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, देखिए मीडिया देखिए, मैं देखिए तो यानी कि अगर आहार वो कहा कहे क्या है, कहे है कि अगर गमछा लगा के जाएंगे, हर जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, बात सुनेंगे, बात सुनेंगी, भूमिहार पंडित सभी लोग, सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन सुनवाई सिर्फ राजभर की हो रही है। उनके कहने का मतलब जैसे थाने पर अगर हमारे, तो हमें ऐसे प्रत्याशी को लाना है जो हर जाति धर्म के लोगों की बात सुने, ना कि सिर्फ राजभर की। क्या कहेंगे इस पर जो करेंसी देखिए ना, ये गलत बात है, वो पूरे संसद का अगर यहाँ से सिर्फ किसी एक भूमिहार के नहीं थे, गरीब सभी जात की आवाज उठाएंगे, इनके कहने से नहीं होता है। इनके मेरे के मैं कहाँ कह रही हूँ, आप मत कहिए ना, देखिए वो राजभर है ठीक है, वो सभी अपनी जात की बात करते हैं, सबको करना चाहिए, चुनाव है, आएंगे जीतेंगे, यहाँ से जीत के जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं पाए। क्या कहेंगे, कोई बात नहीं। अरे अभी अभी रिकॉर्डिंग है, क्या बात कर रहे हैं? उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी जात को लेकर के या कोई कहे कि नहीं, हमारे मार्ग में राज की बात कर रहा है, बाकी और किसी। अच्छा ये मत बताइए, एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर है, कैसे प्रत्याशी हैं, क्या इनके पर विचार कर रहे हैं आप? जो हर लोगों को, हर जनता की बात को सुने, वही बढ़िया प्रत्याशी उसको माना जाएगा, जो हर बिरादरी के, अगर के जात बिरादरी के लेकर के चला तो उसे कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। मैं कहना चाहूँगा कि अरविंद प्रत्याशी जी सही नहीं है यहाँ के, जो भारतीय जनता पार्टी जो उनको एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ा है सही नहीं प्रत्याशी है। हमारे तरफ से हम लोग तो उनको नहीं लायक करते, जो कल का उनको घोसी में जो भाषण दिए हैं, जिस तरीके ने उन्होंने बोला वो उस तरीके की भाषा उनको नहीं कहना चाहिए, उनकी मैं भाषा कल सुना लेकिन ऐसा नहीं चाहिए था। और इसलिए जो कह रहा है बीजेपी वाले इनकी माँ की जूझ मिल जाते हैं, तो सही बात है, सही जो कह रही है, मैं गलत क्यों बोलूँगी, मैं भी आम जनता हूँ, मुझे भी विकास चाहिए जनपद का। 25 रुपए का गमछा खरीद के और उनको दरोगा के सामने ये नजर आया कि ओम प्रकाश राजभर है, ये कोई तरीका नहीं है, ये तो सरेआम मतलब जातिवाद को तरीके एक तरफा राजभर इस पर देखिए, जातिवाद कौन नहीं कर रहा है, हमको बताइए, कोई है, कौन नेता नहीं करता है बताइए, यानी कि आपने नहीं, जातिवाद तो रगो रगो में फैली है। बताइए कोई पीला गमछा लेके अगर थाने में चला जाता है, कोई गलती भी करके चला जाता है, उसका क्या मतलब है? हाँ,
ना इंसाफ हुई कि नहीं हुई? उनके कहने का मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब ये क्या कहने का मतलब है? थाने में अगर नहीं को एक झापड़ मार दे रही हूँ और मैं जा रही हूँ चौकी में, और ये मैंने आज ये पहना हुआ है, वो अपने अरविंद राजभर व्यक्तिगत कैसा है, कितने दिन मार्केट में घूम लिया है, कितने सुख दुख में काम आया है। जब हम सही रहेंगे, जब हम सही रहेंगे तो कप्तान साहब हमारी बात को सुनेंगे। यहाँ तो सही के बाद कोई सुनने वाला है नहीं है, नहीं वो जो भी कह रहे हैं, चाहे जो भी लोग कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अरविंद राजभर यहाँ से एक तरफा उनकी जीत होगी भैया, हम तो अब सुनिए, कोई जात न पात है, सारे लोग उनको देंगे, भाजपा को और से टिकट मिला है उनको है, सारे लोग कहेंगे चाचा क्या कहेंगे, क्या नाम है? प्रधान जी बोल रहे हैं, प्रकाश राजभर के लड़के को टिकट मिला है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बधाई है, बधाई है। भैया क्या हाल है, क्या नाम है? राम निवास राजभर। राजभर जी, वो प्रकाश लाड़े बहुत बोल्ड है, बोल सबकी, हम सबकी आवाज में उठाएंगे और सभी लोग, अरे पीछे कर रहे हैं तो पीछे तो आप लोग कर ही दिए थे, लेकिन अब टिकट मिला है, अब टिकट मिला है, सब चाप के खिलाफ, सब समाज चाप के को वोट दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर बिंद पेदी का लोटा है, पता नहीं उसमें क्या फूल खोसा है, माई बहन करता है बीजेपी वालों का, बीजेपी वाले उसको मंत्री बना दिए। क्या कहेंगे चाचा ओम प्रकाश राजभर पे, क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर पे? नहीं जीत पाएंगे, टिकट मिला है, क्या कहेंगे? नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीतेंगे, क्या वजह है कि नहीं चुनाव जीतेंगे? अरे ओम प्रकाश राजभर जो है बदलू नेता है और क्या है, हाँ खान में सपा में रहेंगे तो उनकी बड़ाई बतियाएंगे, बीजेपी में जाएंगे मंत्री बनाएंगे तो दारा वाला सफाया होगा। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को चुनाव टिकट मिला है, क्या कहेंगे उस पर? हम जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, हम चुनाव से बहुत निकटतम उसे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अब रोजगार के बारे में कहें तो हम बताएं। नहीं नहीं, जब ये चुनाव जीता कर भेजेंगे तभी तो रोजगार की बात करेंगे कि हाँ आगे क्या करना है, रोजगार स्पष्ट रूप से बता दें, स्पष्ट रूप से बता दें कि अगर चुनाव किसी की भी सत्ता बन जा रही है, कोई रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो बिना चुनाव लड़े ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि बिना लिखित में हम सिर्फ और सिर्फ काबिलियत पे हम पुलिस वाल जो वैकेंसी आएगी उसे हम बहाल करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मेंटली रूप से जो व्यक्ति सक्षम है वो, जैसे फिजिकली जो लड़कियां कहेंगे, ये कह रही है पूजा जी की जो है अखिलेश ने घोषणा कर दिया है कि जो है हम जो है जो अग्नि भर्ती आएगी पुलिस की वो हम योग्यता के हिसाब से लेंगे। ये योग्यता में योग्यता तो इसमें जो पुलिस की भर्ती हुई है इसमें एग्जाम देने वाले पीसीएस के लड़के बैठे हुए हैं, और बीजेपी की तरह नहीं है सपा सरकार जो कहती है की है, और बीजेपी वाले सिर्फ आज तक 15 लाख किसी किसान के अकाउंट में नहीं आया, ना ही 2 करोड़ नौकरी आई। आज युवा यहाँ पे मेरे सामने खड़े हैं और ये बेरोजगार है और ये रो रहे हैं पूरी तरह से। ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं कहा आ गया वो, उसका बेटा कितना काबिल है बता दीजिए मुझे। मोदी की गारंटी, मोदी तो वैसे ही उसमें क्या, मोदी की माँ बहन किया ओम प्रकाश राजभर ऑन स्टेज, बीजेपी वालों की माँ बोला जूते से मारेंगे योगी को, हम कटोरा पकड़ा देंगे हाथ में, जो व्यक्ति इतनी छोटी मानसिकता है वो जनता के लिए क्या करेगा? मोदी रोजगार की गारंटी है, कोई रोजगार की गारंटी नहीं है, प्रदेश का नाम इस तरह से लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पूछ रहे, उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश वो है। आपको मैं बता दूं 17 तारीख को एग्जाम होने वाला था पीसीएस का, उसको भी कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। चुनाव जरूरी है, एग्जाम जरूरी है, रोजगार जरूरी है। 500 रुपया देकर ऑनलाइन किए फॉर्म, और उन लोग का जो बजट है।